नमस्कार दोस्तों, भेल शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 2.67% के क्लियर आपको गिरावट नजर आ रहे हैं। तो उसी के साथ आप देख सकते हो आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में एक रेड कैंडल दिखाई दे रहे हैं। पिछले कई दिनों से स्टॉक में कंटिन्यूसली रेड कैंडल बन रहा, स्टॉक एग्जैक्टली के डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल आ रहा है क्या यहाँ पे और भी गिरावट आएगा या स्टॉक में तेजी आएगा, क्या टारगेट बनेगा, क्या सपोर्ट लेवल बनेगा, सभी कंडीशन को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखिएगा दोस्तों। नोटिस कर सकते हो भेल शेयर स्टॉक अब एग्जैक्टली एक हायर है कंडीशन बना के स्टॉक क्लियरली ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अपना प्रीवियस के जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेकआउट करके भी स्टॉक ऊपर बढ़ता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे 262-263 का लेवल था, उसको ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने हाई लगा 335 रुपये का, राइट। तो सपोर्ट लेवल आपको दिखाई दे रहा है 262-273 में है और एग्जैक्टली आप देखें तो स्टॉक अब एग्जैक्टली इस तरीके से एक डाउन ट्रेंड में भी कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है, राइट। तो इसीलिए आपको एक और कंडीशन आपको दिखाई दे रहा है कि स्टॉक बार बार अपना ट्रेल लाइन को रेजिस्टेंस बना के नीचे आ रहा है। तो जब इसको ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉक में तेजी आएगा। टारगेट की बात करें 305.60 रुपया में रहेगा, नेक्स्ट टारगेट आपके सामने रहेगा 326 रुपया में। तो यहाँ पर अगर सपोर्ट लेवल की बात करें तो सपोर्ट लेवल आपके सामने 286 का दिखाई दे रहा था, जिसको इसने आज की ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकडाउन किया। तो हमारे सामने व्यू बिल्कुल क्लियर था कि स्टॉक आपको इस तरीके से मूवमेंट दिखा सकता है, यानी कि अपना सपोर्ट लेवल ऊपर जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्टॉक ने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया। अब हमारे सामने जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आपको दिखाई दे रहा है आपको 267 का दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे 267 लेवल जो है यहाँ से निकल के आ रहा है, देख सकते हो, राइट। तो ये 267 को सपोर्ट लेके फिर से ऊपर बढ़ सकता है, अदरवाइज अगर इसको ब्रेकडाउन करे तो और भी गिरावट आ सकता है। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा सपोर्ट लेवल पे ये फोकस करता हूँ कि सपोर्ट लेवल के पास में अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो समझ लीजिएगा स्टॉक में तेजी आएगा, लेकिन जब तक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता नहीं है तब तक संभावना ये रहता है कि स्टॉक में गिरावट आ सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और यहाँ पर आप कभी भी कोई भी अब एंट्री करते तो हमेशा अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन रखने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं जिनको किसी ना किसी स्टॉक में एंट्री होने के बाद उनको बहुत सारा नुकसान होता है। तो मुझे आशा है कि आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, क्योंकि बड़े नुकसान से बच सकते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस देके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सभी कंडीशन को एक्सप्लेन कर लिया। स्टॉक में बाय सेल होल्ड करने की सलाह सुझाव नहीं है, वीडियो एजुकेशन पर्पज़ बनाया गया। इस वीडियो के लाइक करें, धन्यवाद।